तू नहीं मालिश करना चाहता ना, रहने दे, मत कर। तू जानबूझ के करता है ना, ये जानबूझ के दबाता है ना, मैं तेरे को मालिश करने के लिए ना बोलूंगा। है? है? नहीं निक, मैं देख रहा हूँ, मैं नोट कर रहा हूँ, तू रहने दे, मेरे को नहीं करवाना बस। बट खड़ा रह। ठीक है भैया। तू भैया का कहना मुझे इमोशनल कर देता। पुत्र क्या है ना, हॉली आराम नाल, मतलब बड़ा डिसेंट वे, सोफिस्टिकेटेड तरीके के साथ, है ना, आराम से करना मेरा बच्चा। एंड बस ऐसे कर जैसे मेरी पीठ पे खरगोश घूम रहा है, मुझे पता ही ना चले भी तू मालिश कर रहा है। बिल्कुल आराम नाल, बड़ा उस नाल, है एंड चंगे तरीके नाल मेरा बच्चा, बस मैं फूल जैसा हो जाऊं, ऐसी मालिश कर, ठीक है, आराम रख, हौली 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 आराम रख, ठीक है। सॉरी भैया। यार भैया कह के बस इमोशनल कर देता, पर देख लेना भाई कैसे डोट पोट नहीं खा गया यार मैं। तेरे को बोलता खरगोश, खरगोश की तरह करना यार। चल कर अभी, आराम से कर, सारी बुनाई भुला दी मेरी, कहाँ था मैं, सारे कुंडे भूल गया। आइए 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 भाभी, कानून की चाबी मैं अपनी जेब में रखता हूँ और इंसाफ का तराजू उसको तो रखता हूँ मैं बाद। के राग रंगोली दे रहा है ने? नहीं मैं बस, मैडम ये लोग मुझे बाहर मिल गए थे तो मैं इन्हें अंदर ले आया। हाँ क्यों नहीं, जो मिलेगा बाहर तो सबने खींच के ले आएगा या घुसा देगा चौकी में। अरे नहीं मैडम, चौकी में नहीं, लौकी में। मैडम मेरा नाम है तोरई टंडन, लौकी में। बड़ा सब्जी भरा नाम है। Well, what is the matter is the, क्या किसने दे दिया है तुम्हें love letter is the? ये कौन है यो? सिखारी संभू की शकल का है? और ये फटे हाल बिलगुली। मैडम ये मेरे हस्बैंड है लौकी में। Well, ये है तुम्हारा हस्बैंड, क्या किसने बजा दिया इसका बैंड? अरे मैडम मेरे हस्बैंड का नाम है टिंडा टंडन और ये वाइल्ड वाइल्ड है, ये तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। वो क्या है ना मैडम, ये गोरिल्ला आइलैंड पे गोरिल्ला की फोटो खींचने गए थे तो गोरिल्ला ने इन्हें ही खींच दिया। देखिए जरा सारे कपड़े फाड़ दिए इनके लौकी में। तो आप क्या यहाँ पर गोरिल्ला के खिलाफ FIR लिखवाने आई हैं? आपको क्या लगता है हमारी मैडम कोई गोरिल्ला लैंड की कैटरीना, मेरा मतलब है कोई डाकू हसीना, मेरा मतलब है क्या समझ के आई है यार? नहीं नहीं मतलब हम लोग यहाँ पे ये FIR लिखवाने नहीं आए हैं कि घोड़ा घमंडी है। मैं तो ये बताने आया हूँ कि वहाँ पे एक लड़की देखी मैंने। कैसी थी? थारी पोती जैसी थी। कैरी ऑन। मैडम मैंने वहाँ पे वो लड़की देखी ना, वो दुल्हन के लिबास में थी, वो बेहोश पड़ी हुई थी झाड़ियों के पास। मैडम मैं उसे बचाने गया ना तो वो गोरिल्ला मुझे पकड़ के झाड़ियों में ले गया और मेरे कपड़े फाड़ दिए मैडम। और ये सारी बातें मैं ना ये तुरी को बता रहा हूँ लेकिन ये यकीन ही नहीं करी है, मेरा घोड़ा घमंडी है। बाल को तीनों जाओ जाके देखो वहां माजरा के। हम भी जाएंगे तुम तीनों के साथ बे। चलो चल अबे, चल 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 मेरा नारियल। अबे अफगानी आंटी ये सब छोड़, काम पे चलो चलो बुढ़ाओ। अबे चल चल चलो, संभाल के संभाल के। कैसा जंगली जंगल है। हाँ तो जंगल तो है, जंगली भी है। अरे यही है क्या तुम्हारा गोरिल्ला आइलैंड लौकी में? नहीं यही तो है, मैंने उस लड़की को है ना यहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ देखा था, घोड़ा घमंडी है। ये जगह हाँ। अरे यहाँ तो ना लड़की है ना लड़की कोई फोटो है क्या कुछ भी तू? अरे नहीं मैं इनकी कसम खा के कहता हूँ, मैंने उस लड़की को यहीं पे देखा था बेहोश पड़े हुए, दुल्हन के लिबास में थी। लगता है वो गोरिल्ला उस लड़की को भी उठा के ले गया होगा, घोड़ा घमंडी है। अरे इनको
तो जाने दो, इनकी तो ये पुरानी बीमारी है, एक दिन तो हद ही कर दी, चुड़ैल चुड़ैल चिल्लाने लगे, जबकि सामने मेरी मम्मी खड़ी थी लॉकी में। मम्मी सर हाँ। ये देखिए, ये मोबाइल पड़ा हुआ किसी का यहाँ पे। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे लिए ना मूंगफली लेके आता हूँ। सॉरी सॉरी ब्रो सॉरी, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। कैसे? ये रेडियो आपका गिरा हुआ है? ये रेडियो आपका गिरा हुआ ना? ठीक है, एक मिनट। तो यार ये मोबाइल तो टूट गया है, तो हमने क्या किया, हमने इस मोबाइल का सिम अपने मोबाइल में डाल लिया। अरे ब्रिलियंट सर, अब हम तुम्हें फोन करेंगे बिल्लू, जो नंबर वहां पर आएगा उसका पता लगा दो कि नंबर है किसका। गुरिल्ला का ना हो सर बस, क्योंकि मैंने कभी गुरिल्ला से नंबर एक्सचेंज नहीं किया ना। गुरिल्ला के पास थोड़ी फोन होता है। कुछ तो जंगल में और किसका होगा, वो ही रखता होगा। मुझे एक गुरिल ने पीछे से खींचा, इसका वो कर रहा है अभी मेरा पीछा इसका। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, भागो बे, भागो। तू इधर है, तू इधर है। मैडम छुपाने वाली बात क्या है, मैं भी डरा था, लेकिन सबसे ज्यादा सर डर गए थे, बिल्कुल सूखे हुए पत्ते की तरह कांप रहे थे वो, कांप। Well, mom, वो गुरिल्ला है डांस का शौकीन, इस दा एक नंबर का है रंगीन, इस दा इनको नचवाया भी उसने। मैडम मैडम, देखिए मैं किसे लेकर आया हूँ। किसे? अरे मैडम आप बिना एक नंबर किसे बोली है? मैडम आपको पता चलेगा ना मैं किसे लेकर आया हूँ, तो आप खुशी से गोल गप्पा लड्डू से मुरब्बा हो जाएंगी। हाथ छोड़ जी, छोरी का हाथ छोड़। क्यों हो जाऊंगी खुशी से मुरब्बा? नहीं हो विद्या बालन, हो रही कैटरीना, हो रही करीना, हो रही कौन हो रही हो? ना मैडम, मैं कैटरीना हूँ ना करीना हूँ, मैं हूँ हसीना, आ रहा है मुझे पसीना, ऐसी नमकुल है। ऐसा कैसे हो सकता है, आपको पसीना कैसे आ सकता है? आपको देख के तो अच्छे अच्छों को पसीना आ जाए। गर्मी है ना, इसलिए बोल रहा हूँ मैं तो। Well, baby, तुम कहाँ की हो हसीना, मेरी नींद चुरा के लेगी कटरीना। Carry on. मैडम मेरा नाम है हसीना, आ रहा है मुझे पसीना, ऐसी नामाकुल है। अरे मैडम मैं बताता हूँ, मैडम वो सिम कार्ड मिला था ना मैडम, वो इसी के नाम पे। गोरिल्ला लैंड में एक फोन मिला जिसका सिम कार्ड यू कह रहा है थारे नाम पे। वहां हमें पता लगा था एक छोरी भी बेहोश पड़ी थी, है? और बेहोश पड़ी थी और अभी लापता है, उसका पता ना है कोई। तो कुछ आइडिया है इस बारे में तुम्हें? मैडम आप ये क्या कह रही है, ऐसी नामाकुल है, इसका मतलब वो लड़की छुरी है? वाला हुदा हीदा छुरी इज़दा, हाय हाय ये मजबूरी इज़दा। अरे छुरी छाबड़िया, दोस्त थे मेरी बढ़िया, जिसको मैंने अपने नाम पर सिम कार्ड दिलवाया था। लेकिन मैडम दो दिन से ना उसके घर पे ताला लगा हुआ है, जबकि है ना वो शाम को ऑफिस से आ जाती है। इसका मतलब वो टिंडा सही कह रहा है, तैने अपने नाम पे क्यों दिलवाया उसे सिम कार्ड? वो क्या है ना मैडम, कुछ ही महीने हुए उसको जॉब लगे, लेकिन वो बहुत परेशान थी और रो रो के मुझे बोल रही थी कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, एड्रेस प्रूफ नहीं है, तो मैंने उसको है ना अपने नाम पर सिम कार्ड दिलवा दिया। मतलब हेल्प करी? जी मैडम। क्या बात है, हेल्पफुल नेचर की हो। ठीक, इसके संग जाओ और जरा उसके घर का चक्कर लगा के देख के उसका घर। ओहो क्या बात है, पुराने गानों का मजा ही लग गया यार। ओहो क्या है, हाय 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 हाय, ओ मेरे रब्बा, आहा।
भैया आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बंजी जंपिंग कर रहा हूँ। देख नहीं रहा, गाने सुन रहा हूँ। ये मैं कब से आपको अंदर ढूंढ रहा हूँ पता है, पूरी चौकी में आप यहाँ पे बैठे हुए हैं बाहर आके। अरे यार तुम्हें पता ना काके, 8 बजे के बाद मेरी घंटी बज जाती है, अंदर ना मेरे को घुटन महसूस होती है, पर नहीं मेरे हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। पूछेंगे नहीं आपकी ये मेरे हाथ में क्या है? नहीं भैया, ये स्पेशल कड़ी है आपके लिए। ये कुत्ते की जूठी है या बिल्ली की जूठी है? भैया आप ना बस हमेशा मेरी बुराइयां करते रहो, मुझे बुरा भला बोलते रहो। ये ना किसी कुत्ते की जूठी है, ना बिल्ली की, और ना ये बर्तन किसी कुत्ते बिल्ली का है। मैं कसम खा के कहता हूँ आपको, मेरे पे इतना सा भी भरोसा नहीं है। आपको पता है मेरे अंदर सबसे स्पेशल क्वालिटी क्या है? यही कि तू एक कमिश्नर का साला है। नहीं, मेरी सबसे स्पेशल क्वालिटी ये है कि मैं कभी अपनी गलतियां नहीं दोहराता। मैं हाँ, और आप, मैं इतने प्यार से कड़ी लेके आया, पूरा आपको अंदर ढूंढा सब इतनी देर से, और आप ऐसे मेरा दिल तोड़ देते हो। खा लो ना भैया, प्लीज प्लीज भैया भैया भैया। तो भैया कह के ना मुझे इमोशनल कर देता है यार। ये पकड़। ओए होए, कमाल हो गई यार, ऐसे लग रहा है जैसे मिसेस शर्मा ने ना अपने हाथों से ये बनाई हो। अरे भैया ये मिसेस शर्मा नहीं बनाई है, लेकिन आपको कैसे पता? मिसेस शर्मा तो हमारे बगल में रहती हैं। अरे यार मेरा भी उनके घर आना जाना है, कभी डिनर पे कभी लंच पे। यार बिल्कुल अभी 15 दिन पहले उन्होंने बुलाया था, बिल्कुल ऐसी ही कड़ी खिलाई थी। भैया बिल्कुल ऐसी नहीं, यही। हाँ वो क्या हुआ कि आज जब मैं चौकी आ रहा था ना, तो वो घर से बाहर निकली नाले में फेंकने के लिए, तो मैंने बोला आंटी आंटी क्या 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 फेंक रही हो, क्या फेंक रही हो? तो बोले ये कड़ी ना 15 दिन से फ्रिज में रखी हुई थी, तो मैं भूल ही गई। तो मैंने कहा ऐसा थोड़ी ना होता आंटी, आप अन्न की बर्बादी कैसे कर सकती हैं, आप मुझे दीजिए, मेरे पास पार्टी है। पार्टी? सुन एक मिनट इधर। ए गोपी, 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 ये क्या है यार? फसा, फसा, फसा। कड़ी? ओहो, जरूर गोपी के घर से फ्रेश बन के आई है डिनर के लिए। और उसे क्या लगा वो उसे अकेला हपक लेगा? गुलगुले की तौहीन। गोपी बेटा कड़ी तो गई। क्यों गोपी बेटा तुझे क्या लगा इतनी अच्छी कड़ी तू अकेला खा लेगा? यार तेरी कड़ी तो गई, अब बोल। दरवाजा तो खुला था सर, हमको पता था। तलाशी लो बे, तलाशी लो, ये छुरी का घर है, कुछ ना कुछ सुराग तो जरूर मिल जाएगा यहाँ। सर ये देखिए। तुम चुप बैठो बे, हमें तुमसे बात नहीं करनी। सर ऐसी क्या नाराजगी सर, क्या हो गया सर? ये हुआ था। अबे तुम बिल्कुल चुप बैठो, तुमसे पूछा किसी ने? हैं चुप बैठो, तुम बीच में बोल रहे हो क्या? क्या क्या दिखाना चाहते हो बोलो? सर ये शादी का एल्बम है। हमें पता है एल्बम है, हम देख सकते हैं एल्बम है ये। सॉरी सॉरी नहीं है, सॉरी। Yeah.
पकड़ो। तुम सर सर आप इन अंकल को जानते हैं? जानते ना, लेकिन फोटो देखी इनकी। क्या सर, इस उम्र में आपको करीना कटरीना की फोटो देखनी चाहिए, आप इनकी देखते हैं? तुमसे पूछा किसने बे? बेटा तुम तो चुप ही रहो, हमारे सामने कह रहे हैं, बिल्कुल तपे हुए तुमसे, कुछ कर देंगे उल्टा सीधा। अभी अभी फोटो देखी एल्बम में, एल्बम देखो बराबर से, पुलिस में भर्ती हो, खोलो ये देखो। अरे अंकल आपकी फोटो है ये इसमें। Well, who da you da are is da? क्या तुम हो छुरी के कोई रिश्तेदार is da? हाँ दादाजी, बीबी भाग गई भादों में, हम तड़पते हैं यादों में। क्या बात कर रहे हैं अंकल, आपकी बीबी भाग गई? Yes! अरे क्या खुशकिस्मत है अंकल आपके, आपकी बीबी भाग गई। ऐसे भी कई बदकिस्मत लोग होते हैं जिनकी बीवियां भादो हो या सावन बन के सूर्पनखा और रावण कभी नहीं भागती हैं, कभी नहीं। क्यों बाबी? Well, no comments. लोग अपने घर का रोना यार। सर वो अबे बताओ पे तुम हो कौन या कर क्या रहे हो? अरे साहब जी हम छुरी के बाप हैं। अरे हम अपनी बिटिया से मिलने यहाँ आए थे, और जब हमने यहाँ पे देखा कि पुलिस आई हुई है, तो साहब जी हम छिप के जो है वहाँ से देखने लगे कि क्या हुआ। साहब जी हमारी बिटिया कहाँ है? यार अब क्या बताया, तुम्हारी बेटी दो दिन से गायब है। नहीं लेकिन फिकर ना करो, हम ढूंढ लेंगे यार, तुम फिकर ना करो ऐसे। रिलैक्स, बस उसी बात की तफ्तीश करने आए थे यहाँ पर कि कौन हो सकता है जो इस कांड के पीछे है, किसका हाथ हो सकता है। वैसे अंकल आप थोड़ी हेल्प कर दीजिए, आपको कुछ जानकारी हो तो बताइए जरा। साहब जी हमको तो ऐसा लगता है कि हो ना हो इन सब के पीछे जो है इसी राजा का हाथ है। बीबी भाग गई भादों में, हम तड़पते हैं यादों में। कहाँ का राजा, रियासत का राजा या सियासत का राजा? अरे ना वो कोई रियासत का राजा है ना कोई वो सियासत का राजा है, अरे बल्कि वो राजा राप्तेस है, उसका हस्बैंड यानी कि हमारा दामाद, और उसने सब कर दिया बर्बाद। बीबी भाग गई अब यादों में, हमने तड़पते हैं यादों में। Well bro, खुल के बताओ, what is the matter is the on करो जनरेटर is the। अरे दादाजी ये जो हमारा दामाद है ना, ये एक नंबर का निकम्मा आदमी है, अरे उसका कोई अता पता नहीं है, अब न जाने वो कहां सत्तू घोल रहा होगा, और गुस्से से हमारा खून जो है ना खौल रहा है, है? बीबी भाग गई भादों में, हम तड़पते हैं यादों में। तुम्हारी बेटी काम कहां करती थी? Yes! अरे साहब जी वो कोई झिंगूर एंड झिंगूर के दफ्तर में काम करती है। आप जो है वहां जाके उन्हीं लोगों से पूछिए, बीबी भाग गई भादों में, हम तड़पते हैं यादों में। किसकी? बीबी की और किसकी? झिंगूर एंड झिंगूर कंपनी, वहां जाओ और वहां के लोग को यहाँ लेकर आओ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।